उसके साथ साथ पूर्व छात्र सम्मेलन का भी अवसर प्रदान हुआ है और महावीर सरस्वती विद्या मंदिर के आप प्राचार्य हैं वर्तमान में। और ये जो बहुत गौरव की बात है हमारे युवाओं के लिए, हमारे समाज के लिए, जो आपका जो स्कूल योगदान देता है समाज के उन युवाओं को, उन छात्र छात्राओं को, क्या कहना चाहेंगे आज? आज स्वामी विवेकानंद की जयंती भी है और स्वामी विवेकानंद देश के युवाओं का प्रतिनिधित्व करते थे। उनका ये मानना था कि किसी भी देश का निर्माण, किसी भी देश का विकास, किसी भी देश का भविष्य उस देश के युवाओं पर निर्भर करता है। तो किसी भी देश का युवा कैसा हो और वो भारत का प्रतिनिधित्व करते थे, तो भारत का युवा कैसा हो ऐसा उनका सोच था कि भारत का युवक एक तो स्वस्थ हो शारीरिक दृष्टि से, और जब स्वस्थ रहेगा तो स्वस्थ बुद्धि की भी का विकास होगा। स्वस्थ व्यक्ति में ही स्वस्थ बुद्धि का विकास होता है। और इस देश का युवक जो हो उसको इस देश के प्रति क्या दृष्टिकोण हो, वो इस धरती को क्या मानता हो, इस धरती को माँ मानता है क्या, ये देश अपना मानता है क्या, इस देश के का विकास सभी क्षेत्र में हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, सुरक्षा के दृष्टि से हो, ये सभी क्षेत्रों में युवक ही भागीदारी अपना निभाता है और एक सही ईमानदारी के साथ एक अपने कर्तव्य को समझ करके नैतिक जिम्मेवारी के साथ वो अपना काम करें, ये आज के तिथि में हम आवाहन करते हैं और स्वामी विवेकानंद जी के उद्देश्यों को उसमें प्रचारित करते हैं। इसीलिए आज हमने जो है, जो हमारे स्वावलंबी पूर्व छात्र हैं, जो युवा है, वो जहाँ भी जिस क्षेत्र में हो उनका क्या दायित्व हो, किस रूप में वो काम करे, इसीलिए आज ये कार्यक्रम को रखा गया। तमाम युवा, तमाम छात्र छात्राएं बहुत सोच विचार करके इस स्कूल में प्रांगण में एडमिशन लेते हैं और बहुत ऊँची उड़ान भरना चाहते हैं। तो आज युवा दिवस के अवसर पे या और उस जयंती के अवसर पे उनको, तमाम युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी युवाओं को भी संदेश देना चाहूँगा और जो आप मीडिया के लोग हैं आप सब भी कहूँगा कि ऐसे इस देश का युवा जिसको कोई भी आवश्यकता हो उसके निर्माण में, उसके विकास में, आर्थिक शारीरिक मानसिक बौद्धिक, तो ये विद्यालय उनको सहयोग करने के लिए तैयार है। और आप सबको भी अगर इस समाज में ऐसे कोई बालक मिल रहा है जिसको सहयोग की आवश्यकता है मेरी, तो ये विद्यालय देने के लिए तैयार है और हम देते भी हैं, पढ़ाते भी हैं ऐसे छात्रों को। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर हम आज सभी अपने पूर्व छात्रों को या भारतीय के पूर्व छात्रों को यहाँ आमंत्रित किए हैं कि इस विद्यालय में पढ़कर आप राष्ट्र निर्माण के लिए यहाँ से निकले हैं। आप किसी जीवन के किसी क्षेत्र में जीवको पार्जन का कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर दायित्व है समाज निर्माण और राष्ट्र निर्माण का कार्य। अच्छा, आप शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं सर, सवाल ये है कि सिवान की अगर बात करें तो सिवान की जो नौजवान पीढ़ी है, क्योंकि आज युवा दिवस भी है, तो क्या कहेंगे नौजवान जो लोग शिक्षा से विचलित होकर गलत रास्ते पर चल पड़े हैं, इसके क्या? शिक्षा केवल अंक ज्ञान और अक्षर ज्ञान नहीं है, केवल सर्टिफिकेट प्राप्त करना केवल शिक्षा नहीं, शिक्षा तो अंतर्निहित उसके मन में समाहित होती है और शिक्षा का उद्देश्य ही है उसका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास और उसका नैतिक और आध्यात्मिक विकास। इस दृष्टिकोण से समाज निर्माण के लिए हमारे पूर्व छात्र लगे हैं। हम पूर्व छात्रों के माध्यम से ऐसे बच्चों को दिग्भ्रमित होने से रोकेंगे और उन हमारे कई पूर्व छात्र शिक्षा के क्षेत्र में कार्य प्रारंभ कर चुके हैं उन बच्चों के निर्माण के। योग केवल एक शारीरिक आकृति नहीं है, योग क्या है, जीवन दर्शन है, जीवन शैली है। तो स्वामी जी ने यह किया है कि अगर आपको शिक्षा सीखनी है, योग करनी है, तो खेल के मैदान में चलें, आप कृषि के क्षेत्र में खेतों में चलें, आप गीता पढ़ें, यह योग है। कहा भी गया है योगा कर्मसु कौशलम,
कोई भी कार्य को कुशलता से करने से वह योग है। तो स्वामी जी के इस दर्शन को सभी युवा पीढ़ी के लिए यह संदेश है और मार्गदर्शन से मिलता है। राजेश कुमार रंजन, विभाग निरीक्षक, शिवान विभाग, लोक शिक्षा समिति।